सो आई एम स्टार्टिंग माई मॉर्निंग स्किन के विथ कामा आयुर्वेदा वेटिवल वाटर आई एम यूजिंग इट एज अ टॉनर ये स्प्रे फॉम फॉम में आता है और इसकी स्मेल बहुत ही सूदिंग है और वेटिवल वाटर जो होता है वो उसमें हाई वाटर रिटेंशन क्वालिटी होती है और ये आपकी स्किन को पूरे दिन भर के लिए हाइड्रेटेड रखता है और इसके अलावा वेटिवल वाटर जो होता है वो आपकी एक्सेसिवम ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करता है और इसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ सुगंधा का नाइसनेमाइट सीरम टेन परसेंट तो अगर आप बिगिनर हैं तो फाइव परसेंट से शुरू करें क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन यूज़ टू हो चुकी है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन स्टिल ये सेंसिटिव uh, स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है आप ट्राई कर सकते हैं और नाइसनेमाइट तो पता ही आपको इवन स्किन टोन के लिए हाइपर पिगमेंटेशन और इनलास्ट पोर्स और एक्सेस ऑयल सीबम प्रोडक्शन को काफ़ी कम करते हैं तो समर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होता है एंड द नेक्स्ट वन इज़ कोजरिक स्नेल म्यूसिन आप इसको किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो ये इतनी प्यारी चीज़ है स्नेल म्यूसिन एक कमाल की चीज़ है आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है स्किन में जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है उसे बूस्ट करती है और इसमें वनस को भी हील करने की कैपेसिटी होती है तो इसके अलावा आपकी प्री मेच्योर ईजिंग साइंस जो होते हैं वो इससे काफ़ी हद तक कम होते हैं एंड आई एम काइंड ऑफ एडिक्टेड टू दिस रेल म्यूसिंग आई रियली रियली लव इट मैंने इसे पूरा विंटर यूज़ किया है और अब समर में भी मैं इसे काफ़ी कम्फर्टेबल हूँ बिकॉज़ ये लगाने के बाद तुरंत बाद में अब्जॉर्ब हो जाता है बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई स्टिकी फील ग्रेसीनेस कुछ नहीं लगता बल्कि एक हेल्दी सी आपको ग्लो आपके फेस पर रहता है और इसके अलावा स्किन केयर क्वालिटीज़ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है और एक तरह से ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपने एक बार ये बॉटल ले लिया तो आपको काफ़ी लंबा चलता है ये और इसकी एक्सपायरी डेट भी काफ़ी काफ़ी होती है इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस पर मैंने डिटेल रिव्यू भी दिया हो आप चाहें तो देख सकते हैं नेक्स्ट है क्लियर्स का वाइटामिन सी सीरम इसे मैं रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी रहे क्वालिटी अच्छी रहे तो मुझे अब तक का ये बेस्ट विटामिन सी सीरम लगा है और मैं इसे दिन में इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव होता है एक तरह से तो एयर और सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से अपनी क्वालिटीज़ जो होती हैं इसकी गुड गुड क्वालिटीज़ वो खत्म हो जाती हैं तो इससे बचने के लिए तो बेस्ट है कि आप दिन में इसे अप्लाई करें और सनस्क्रीन के साथ इसे प्रोटेक्ट करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ये देता है तो जहाँ तक क्लियरस वाले विटामिन सी सीरम की बात है इसने मेरी स्किन को किसी भी तरह का कोई इरिटेशन नहीं दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं है। इसने इवन स्किन टोन करने में काफ़ी हेल्प की और मुझे इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे यूज़ करते हुए लेकिन फिर भी मैं काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस मैं फील कर रही हूँ एंड देन इसके बाद में है मॉइस्चराइजर के लिए मैं समर में बहुत ही अच्छा ये डोटन की का सेवेंटी टू आवर हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर और ये एक इंडियन ब्रांड है फ्रेंड्स और इसमें मेन हीरो इंग्रेडिएंट जो है वो प्रोबायोटिक्स हैं उसमें लैक्टोबैसिलस हैं और ये आपकी स्किन को ऑलरेडी जो जिसमें कोलेजन जो होता है जो आपकी स्किन में लिपिड्स होते हैं उनको बूस्ट करता है एक तरह से और मुझे तो काफ़ी पसंद आया काफ़ी किसी भी तरह का कोई ग्रीसीनेस इसमें नहीं होता है एंड नेक्स्ट लास्ट में मैं फिनिश कर रही हूँ अपने मॉर्निंग स्किन केयर को डी कंस्ट्रक्ट के सनस्क्रीन के साथ में ये मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज़ ये किसी भी तरह का इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं होता है लगाने के बाद किसी भी तरह का कोई ग्रीसीनेस या चिपचिपापन जैसा कि फिजिकल सनस्क्रीन में बाकी सब में मैंने महसूस किया ये भी एक मिनरल सनस्क्रीन ही है मैं आपको बता दूं लेकिन इसको इस तरह से फॉमूलेट किया गया है कि इसको लगाने के बाद आपको वाइट कास्ट नज़र नहीं आता है तो इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा है और जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है उसकी वजह से थोड़ा वाइटनेस ज़्यादा लगती है तो उसको थोड़ा सा कम किया गया है और जिंक की मात्रा इसमें ज़्यादा है इस वजह से ये काफ़ी बैलेंस्ड है और प्रोटेक्ट भी करता है आपकी स्किन को क्योंकि 50 प्लस एस है इसमें तो ये तो हुआ दोस्तों मॉर्निंग स्किन केयर आई होप आपको पसंद आया हो तो फिलहाल ही मेरा करंट फेवरेट स्किन केयर है समर के लिए आई होप अगर आप भी ऑयली स्किन वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा ये थैंक यू